हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर करेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल। देखो, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कि हम अपनी कॉस्ट को जो है कंट्रोल के अंदर रखते हैं, चेक रखते हैं। नेचुरली हम उन एक्टिविटीज़ को या उन प्रोजेक्ट्स के जो सब पार्ट्स होते हैं उनको देखते हैं कि उनके अंदर डिले नहीं होना चाहिए। हमारा जो प्रोजेक्ट है राइट टाइम पे राइट कॉस्ट के अंदर जो है ख़त्म होना चाहिए। बट कई बार ऐसे भी हमारी इंटेंशन होती है कि प्रोजेक्ट को हम समय से पहले ख़त्म करना चाहते हैं, क्रैश टाइम के अंदर ख़त्म करना चाहते हैं, नॉर्मल टाइम नहीं लेना चाहते। तो उस वक्त क्या होता है कि हम उस वक्त कॉस्ट की परवाह नहीं करते। लेकिन नॉर्मल ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है कि नेचुरली जो जब अगर हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमने अपने प्रोजेक्ट को सही ढंग से मैनेज किया है। क्योंकि जो लागते हैं उसी से क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस जो होती है झलकती है। और अगर एक प्रोजेक्ट को हम अच्छे ढंग से मैनेज करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट जो होगी लो होगी। एक्सीलेंट कॉस्ट मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि कॉस्ट के अंदर रिडक्शन है लेकिन क्वालिटी पैरामीटर के साथ कोई समझौता नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के कंपोनेंट होते हैं जिसके ऊपर हमने पैसे खर्च करने होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कैसे जो है अपनी कॉस्ट को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और देखो, यहाँ पे जो हम बजट बनाते हैं, कॉस्ट रिडक्शन करते हैं, तो यहाँ पे हम क्वालिटी के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको लो नहीं करते। यहाँ पे हमारा जो होता है कि जो हम चीज़ कर रहे हैं, जो हम पैसे स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी ओवरऑल जो है वेस्टेज कम होनी चाहिए ताकि हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कंट्रोल जो है सही होनी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हमने प्रोजेक्ट पे खर्च करने, मतलब जितने रिक्वायर्ड है, ये नहीं कि उस पर ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो रहा है। देखो, जो ऑन गोइंग का मतलब होता है कि जब हमारा प्रोजेक्ट जो होता है स्टार्ट हो चुका होता है उस वक्त भी क्या होता है कि हम हर स्टेज के अंदर कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए। देखो, जो प्रोजेक्ट है जब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर जो कॉस्ट होती है उसको हम मैक्सिमम जो है रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जब काम शुरू हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि हम इतना चेक नहीं रख सकते। और जब भी क्या होता है कि नेचुरली देखो, जो कॉस्ट होती है जब हम प्लान आउट करते हैं, जब उसके ऊपर हम काम करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि रिवाइज एस्टिमेट्स आ जाते हैं। तो ये नहीं कि रिवाइज एस्टिमेट्स आ गए हैं तो हमें लाइसेंस मिल गया, तो भी हमने चेक करना है कि किस तरह से हम मैनेज करके उसकी कॉस्ट को मैन्यूपलेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल को हम ये भी कह सकते हैं, डैट इज़ द मैन्युपुलेटिव एफर्ट्स ड्यूरिंग वेरियस फेसेस ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट येट नॉट इनकर्ड। यहाँ पे हमारी जो इंटेंशन होती है टू कंट्रोल द कॉस्ट। देखो, जो स्कोप ऑफ कॉस्ट कंट्रोल होता है जब हम बेसिकली प्लानिंग कर रहे होते हैं, जब डिजाइनिंग बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या है कि ज़्यादा कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन स्टेज होती है वहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करना जो होता है पॉसिबल नहीं होता। देखो, जो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, टाइम इंड्यूस्ड कॉस्ट होती है। देखो, जो सॉफ्टवेयर है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हार्डवेयर है इसको हम डिज़ाइनिंग के द्वारा, वैल्यू इंजीनियरिंग के द्वारा जो है कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम इंड्यूस्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि कई बार देखो, जैसे कोई चीज़ हम राइट टाइम पे नहीं कर पाते तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉस्ट इन्हांस हो जाती है। सॉफ्टवेयर कॉस्ट और जो टाइम इंड्यूस्ड कॉस्ट है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ जो हार्डवेयर कॉस्ट होती है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद है कि जब भी हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहा होता है, ठीक है, और जो हार्डवेयर कॉस्ट कंट्रोल है, ज़ीरो डेट का मतलब होता है कि जब हमने काम शुरू करना है उससे पहले ही हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कि जब हमने अपने प्रोजेक्ट का डिज़ाइन जो है सिलेक्ट कर लिया तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहीं से हमने अपनी जो कॉस्ट कंट्रोल है उसके ऊपर हमने चेक रखना है। देखो, जब हमने डिज़ाइन बेसिस का मतलब होता है कि जब हमारे प्रोजेक्ट की फाइनल जो ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, फिर उसके अंदर जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनका आपस में इंटीग्रेशन क्या है, जब हमने चीज़ें जो है परचेज़ करनी है, परचेज़ ऑर्डर देना है, इवन जब हमने वेंडर की जो ड्राइंग्स हैं उनको रिव्यू करना है, जब हमने कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग जो है इशू करनी है, तो हर स्टेज के अंदर हम देखते हैं कि कैसे हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। देखो, जो कॉस्ट कंट्रोल मेथड है, एट ज़ीरो डेट का मतलब होता है कि जब हमारा प्रोजेक्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली इस डेट से स्टार्ट होने वाला है, जब फाइनल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम आइटम वाइज उस स्टेज के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं
करनी है, उनके लिए हमें क्या क्या आइटम चाहिए। तो आइटम वाइज जो है कंट्रोल एस्टिमेट जो है हम बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नेटवर्क प्लानिंग करते हैं, और नेचुरली यहाँ पे हम देखते हैं कि इस एक्टिविटी के लिए हमें इतना जो है पैसा खर्च होएगा, इतना इसका बजट बनाया हुआ है। नेचुरली यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने बजट किया उससे बाहर हमने चीज़ें नहीं मंगवानी, और अगर मंगवानी भी है तो वो प्रॉपरली ऑथराइज होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि जब हम डिटेल्ड इंजीनियरिंग करते हैं, देखो जब हमने वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो चीज़ें हमने मैन्युफैक्चर करनी है उसके फंक्शन क्या हैं, उसके रिलेटेड कॉस्ट क्या बढ़ती है, कौन से फंक्शन ऐसे अननेसेसरी है। वैल्यू इंजीनियरिंग के अंदर हम देखते हैं कि हम कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे ओवरऑल प्लॉट प्लान के अंदर क्या होता है कि नेचुरली देखो जो पाइपिंग है, केबलिंग है, रोड्स है, ड्रेन्स है, ग्रेडिंग है, पेविंग है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो होता है, जब हम सारी चीज़ों को असेस करते हैं कि यहाँ पे ऐसी चीज़ होनी चाहिए, इस ढंग से पाइपिंग करें, इस ढंग से केबलिंग करें, ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरली क्या होएगा कि हम अपनी कॉस्ट को रिव्यू करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। उसी तरह जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके जो है प्लांट एंड मशीनरी किस पर्पज़ के लिए चाहिए, उसके अंदर कौन सी नेसेसरी फंक्शंस हैं, कौन सी चीज़ें अननेसेसरी है, तो नेचुरली हम वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये ज़रूरी है, ये अननेसेसरी है, तो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसी तरह जो यूटिलिटी सिस्टम है उनकी लोकेशन है उनको भी हम बार बार चेक करते हैं क्या कंजम्पशन लेवल होएगा, ताकि हम अपनी कॉस्ट को जो है मिनिमाइज़ कर सकें। उसी तरह हमारी जो बिल्डिंग है नॉर्म्स क्या है, कितनी स्पेस कवर्ड होनी चाहिए, कितनी ओपन होनी चाहिए, किस तरह से अलग अलग हमने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, किस तरह से हमने उसके लिए मटेरियल कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करना है, तो नेचुरली क्या इंडस्ट्री नॉर्म्स है, तो वो हम सारी चीज़ों को चेक करते हैं ताकि हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकें। उसी तरह क्या है कि स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि नेचुरली जब हम अपने प्रोजेक्ट की फाइनलाइजेशन कर देते हैं तो वो कंटिन्यूसली रिव्यू होनी चाहिए, जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उनकी बार बार रिव्यूइंग होनी चाहिए, ताकि हम देख सकें कि कैसे हम उस कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसी तरह ही देखो ड्यूरिंग जब हमारा जब हमने चीज़ों को, अब देखो ये जो थी प्लानिंग थी, उसके बाद होता है कि जब हमने प्रोक्योर करना है, नेचुरली उसके अंदर देखो हमने जो सेलर होते हैं, सप्लायर होते हैं, उनको असेस करना है, उनकी रेटिंग करनी है, उनको हमने ऑर्डर देना है। कई बार क्या होता है कि देखो जब हम ऑर्डर देते हैं उसके बाद हम कुछ और एक्स्ट्रा मंगवाते हैं, कोई चीज़ जो स्पेसिफाइड नहीं होती तो उसके चार्जेस अलग होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है हमने अच्छे ढंग से देखनी है। उसी तरह क्या होता है कि नेचुरली जब हम डिटेल स्पेसिफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, तो नेचुरली उसके बेसिस पे हम जो सप्लायर है उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। उसी तरह क्या है कि जब हम नेचुरली वेंडर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो उसके अंदर वारंटी गारंटी हर चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि बाद में कॉस्ट एस्केलेट ना हो जाए, हमें नेगोशिएट करना चाहिए। उसी तरह क्या होता है कि जो परचेज प्रोसीजर होता है उससे भी क्या होता है कि वो हमने ऑर्डर कब प्लेस करना है, उससे कब रिप्लेनिश करना है, अगर गैप ज़्यादा होएगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसी तरह क्या है कि जब तक नेचुरली हमने हर चीज़ को सोचना है कि उसने हमें किस तरह से डिलीवरी करनी है, ताकि हमारे जो शेड्यूल है उसके अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर उसी ढंग से अगर हम बिडिंग मंगवाते हैं वेंडर से तो उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हमने उसकी बिडिंग को एक्सेप्ट करना है, कौन सी कंडीशंस को देखना है, वो सारा कुछ हमने मतलब इस ढंग से करना चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए। उसी तरह क्या है कि देखो जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर भी क्या होता है कि नेचुरली हम देखते हैं कि ये चीज़ें कई बार क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, तो एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं नेचुरली उनकी कई बार क्या होता है कि वो ज़्यादा प्राइस मांगते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एफर्ट जो होने चाहिए कि ये जो एक्स्ट्रा है इनकी हम प्रॉपर नेगोशिएट कर सकें। उसी तरह हमने देखना है कि जैसे ड्राइंग एंड वर्क फ्रंट जो होती है कॉन्ट्रैक्टर को, वो हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर के पास हमेशा काम होना चाहिए, ताकि जो वेरियस एजेंसीज का उनको भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए। उसी तरह जो हमारे पास चीज़ें हैं जो भी हमें कंस्ट्रक्शन के लिए सामान चाहिए या सिस्टम के लिए चाहिए, ना तो हमने उसकी अंडर मतलब ना तो कम रखना है ना हमने ज़्यादा रखना है, उसी ढंग से हमने देखना है कि कहाँ कहाँ पे हमने पैसा स्पेंड करना है और वह पैसा कहाँ से आएगा। उसी तरह ही जो हमारे पास स्टाफ है उनके खर्चों को हमने कैसे कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद क्या है कि कॉस्ट स्टेटस रिपोर्ट्स है जिसके अंदर हम ABC वगैरह जो है
ऑलवेज बेटर कंट्रोल जो है फॉलो करते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम हर